हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने। तो बात करते हैं, जहाँ पे 30 लीग मैच और 3 प्लेऑफ मैच के बाद एशियन T20 लीग का फाइनल मैच आ गया, जो कि खेला जाएगा सनराइजर स्टैंड कैप और दबंग सुपर जायंट्स के बीच में। दोनों ही टीम टूर्नामेंट के टॉप 2 पे स्टेबल है। यह मैच 10 फरवरी को न्यूलैंड्स कैप टाउन में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहां पे मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे, ह्यूमिडिटी 62% रहेगा और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 20% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 80% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 170 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 153 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पे सनराइजर स्टैंड कैप 3 मैच जीत के आ रही है, वहीं दबंग सुपर जायंट्स 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं पहली टीम दबंग सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम इस वक्त जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है और टूर्नामेंट की टॉप पे स्टेबल टीम लीग में स्टेज में, जहां पे 10 मैच खेलकर 7 मैच जीत के आ रही है और 3 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर क्वालिफायर 1 की बात करें तो जहां पे सनराइजर से हार गई थी, लेकिन लास्ट गेम में बात करें तो जहां पे जोबर सुपर किंग्स को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया। वहीं केशव महाराज जो टीम के कैप्टन है, टीम की बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। टीम के ओपनिंग में जहां पे डीकॉक हैं, हाँ ब्रिजिस अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं, वहीं ब्रिजिस ने 12 मैच में 358 रन बनाए। वहीं नंबर 3 पे बात करें तो डीकॉक है। अगर नंबर 4 पे देखें तो जहां पे जे स्मूथ जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट गेम में जहां पे भानुका राजा पक्षा जो कि प्लेइंग 11 में चांस मिला था उनको, टीम के पास मजबूत मिडिल ऑर्डर भी है, जहां पे वियान मोल्डर, हेनरी क्लासन जो 12 मैच में 447 रन बनाए, वो टीम के लीडिंग रनर स्कोरर भी है। वहीं अगर बॉलिंग अटैक की बात करें तो जहां पे डीसी टोपले जो कि न्यू वेल्स विकेट ले सकते हैं, नवीन लोहा की इस पिच पे इफेक्टिव है, जूनियर डाला जो कि इस वक्त टॉप फॉर्म में चल रही है, उन्होंने बस 4 मैच में 13 विकेट लिए। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे केशव महाराज के पास काफ़ी एक्सपीरियंस और टीम के उनसे अच्छे स्पेल की उम्मीद होगी। ऑलराउंडर जहां पे ड्वाइन पिटोरियस विकेट दिला सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे केशव महाराज जो कि कप्तान है, क्विंटन डीकॉक है, मैथ्यू है, जेजस मून, टॉनी दे जॉर्जी, कीमो पॉल है, हेनरी क्लासन है, वियान मोल्डर, जूनियर डाला, नवीन लोहिया और ज्वाइन पिटोरियस से। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम सनराइजर्स स्टैंड कैप का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा कमबैक किया, बट टीम 10 मैच में से 7 मैच जीती और 2 में हार मिली है। टीम ने अपने लास्ट 8 मैच में से 7 मैच जीत के आ रही है। टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, लगातार दूसरे सेशन फाइनल में क्वालिफाई करना चाहेगी। बात करते हैं जहां पर टीम ने क्वालिफाई 1 में दबंग को ही हराया था, अब यहां पर फिर से दबंग से ही मैच होने वाला है। टीम का टारगेट होगा लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतना होगा। टीम के कैप्टन जहां पे एडम मक्राम है, ओपनिंग में बात करें तो जहां पे डेविड वालन, जॉर्डन हार्मन जो कि नंबर 3 पे, थॉमस अवेल खेल रहे हैं, एडम मक्राम भी मिडिल ऑर्डर में टीम को स्टेबल कर रहे हैं। लोअर ऑर्डर में जहां पे फिनिशिंग के लिए स्टार हैं, ट्रिस्टन स्टब हैं, पैट्रिक क्रूगर है, टीम के सभी बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। मार्को जैनसन जो कि सनराइजर्स के पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अब तक 15 विकेट लिए। डेनियल वॉरन में भी अब तक 10 मैच में 15 विकेट निकाले। साइमन हार्मर जो कि ऑफ स्पिन से विकेट भी ले रहे हैं, और ऑथनल बार्ड जो टीम के लीडिंग विकेट टेकर है, उन्होंने 16 विकेट निकाले। लायम डॉनसन जो कि लास्ट गेम 2 विकेट लिए थे। अब बात कर देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे एडम मक्राम है जो कि कप्तान है, जॉर्डन हार्मर, डेविड मर्लन, टॉम अवेल, ट्रिस्टन स्टब, लायम डॉनसन, पैट्रिक क्रूगर, मार्को जैनसन, साइमन हार्मर, डेनियल वॉर्डर, ऑथनियल बार्टमैन। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे दबंग सुपर जायंट्स होगा, यहाँ पे सनराइजर्स स्टैंड कैप को हार मिल सकती है। तो फाइनली यहाँ पे ट्रॉफी का हकदार पूरी तरह से दबंग सुपर जायंट्स होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।